नहीं समझ में आया अभी क्यों आया, इसलिए अभी आज क्यों आए हैं बिहार में, सवाल लोग रोज करते हैं। तो मेरे भाई, हम किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लड़के तो हैं नहीं कि पैदा हुए और आकर कहते कि अब बिहार को सुधारने का ठेका हम लेंगे। अगर हमने वो काम नहीं किया होता और इसी दरभंगा से हम गुजर रहे होते तो कुत्ता भी हमको यहाँ पूछता, कुत्ता भी हमको नहीं पूछता। तो हमारी काम ही हमारा पहचान है। आपको एक उदाहरण देते हैं, शाहरुख खान का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े कलाकार हैं। जब उनको ऐसा लगा कि हमको अभिनेता बनना है तो टीवी में एक सीरियल आता था फौजी और सर्कस, तो टीवी में वो काम करते थे, उसमें थोड़ी सफलता मिल गई तो बॉम्बे पहुंच गए। जिसने काम दिया उसके पिक्चर में काम किया, वो पिक्चर हिट हो गई, बड़े स्टार बन गए। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम खाली रोमांटिक पिक्चर के में काम करेंगे, अपने हिसाब का मूवी बनाएंगे। उससे और सफलता मिल गई तो कहे कि नहीं, अब खाली यश चोपड़ा और करण जौहर का पिक्चर बनेगा, काजोल काम करेगी तबे काम करेगा। और सफलता मिल गई, मेगा मेगा स्टार हो गए। तो अब कह रहे हैं कि नहीं, अपना होम प्रोडक्शन जो होगा, कहानी भी हम ही लिखेंगे तबे काम करेंगे। अब उनका तुलना आप अभिषेक बच्चन से कर लीजिए। अभिषेक बच्चन जी जब आए तो कहे कि ना, पहला पिक्चर जब जेपी दत्ता बनाएंगे तबे हम शुरू करेंगे, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के लड़के हैं। जब आपकी पृष्ठभूमि इतनी बड़ी नहीं है, आपकी पहचान कोई आपके बाप दादा से नहीं है, तो आपको काम करके ही अपनी पहचान बनानी है। और बाहर से देखने वाले को ऐसा लग सकता है कि वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन उसी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल के ये पहचान बनाई है, तब ना यहाँ खड़े हुए हैं। जब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमारी क्षमता हो गई तब बिहार के लिए आए हैं और पूरी निष्ठा से उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बाबूजी भी प्रधानमंत्री होते तो हम पढ़ते नहीं पढ़ते, जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम बिहार सुधार देंगे, भाई उनको क्या जरूरत हो, तो बिहार उनके बाबूजी मुख्यमंत्री है, जिसको कहेंगे मान जाएगा। हमको तो गांव में जाके बताना है, भैया हम है प्रशांत किशोर, हम तुमको समझाने आए हैं, तुम्हारे लिए भला करने आए हैं। लेकिन आप राजीव गांधी के लड़के हैं तो चाहे 100 को गलती कीजिएगा, आप कहिएगा कि हमारा अधिकार है जन्म सिद्ध, हम ही तुमको तारेंगे।